हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट में एक लीडिंग एविएशन प्रोवाइडर के हिसाब से काम करता है। ओके, तो यहाँ से वैकेंसी निकल के आ रहा है और यहाँ से क्या वैकेंसी निकल के आया है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आई बटन के ऊपर क्लिक करके जाकर देख लीजिए, एक बार कन्फर्म हो जाना कि यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे या फिर नहीं, उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और आपको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल पर अगर नया विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ओके, तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे IGI एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे इसका जो अप्लाइंग प्रोसीजर है, जो अप्लाई करने का जो पोर्टल है, मैं अभी वहाँ पे हूँ। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। आप यहाँ पे किससे आएंगे, आपकी सुविधा के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर रखा हूँ, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे डेट्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है कि कौन सा डेट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 22 मई तक चलने वाला है। इसके अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ से इसका जो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है, वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फुल नेम, तो यहाँ पे यहाँ से आपको आपका टाइटल चूज कर लेना है, यानी कि मिस्टर हो या फिर मिसेस हो, जो भी हो वो आप यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका फुल नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका फादर्स नेम डालना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैलेंडर से आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पुट कर लेना है, और यहाँ पे देखिए नेशनलिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे आप इंडियन पुट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका जेंडर आपको यहाँ पे चूज करके पुट करना है। कैटेगरी आपका क्या है, एससी है, एसटी है, जनरल है, ओबीसी है या फिर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको आपके हिसाब से यहाँ पे चूज करना है, समझ गए। तो यहाँ पे मैं सिंपली एससी चूज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हो, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करना है, अगर नहीं हो सिंगल हो तो आपको यहाँ पे सिंपली सिंगल चूज करना है, और उस इन दोनों के सिवा और कुछ है, यानी कि विधवा हो या फिर और कुछ है, तो आपको यहाँ पे अदर्स के ऊपर क्लिक करना है, समझ गए। उसके बाद देखिए चूज एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ से आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। यहाँ पे देखिए लगभग हर एक इंडिया का जो मेजर सिटी है वहां पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैं भुवनेश्वर को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस लाइन 1, तो यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डिटेल्स देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आर्ट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे सिटी और यहाँ पे स्टेट, और यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना है, समझ गए। तो ये था आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि आपका एड्रेस डिटेल्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे 10th डिटेल्स भरना है, यानी कि आपका मेट्रिकुलेशन आप कहाँ से कर रखे हो, कौन सा स्कूल से कर रखे हो, स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद बोर्ड नेम, जो स्कूल था वो कौन सा बोर्ड के अंडर आता था वो आपको यहाँ पे पुट करना है, और ईयर पासिंग, कौन सा ईयर में आप 10th पास कर रखे हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद देखिए 12th, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका 12th डिटेल्स भरना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन का डिटेल्स भी भर सकते हो, लेकिन ये तो ऑप्शनल है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है, यानी कि अगर आप सिर्फ 12th पास कर रखे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन डिटेल्स नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, समझ गए। उसके यहाँ पे देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन, तो जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या डालने के लिए बोला गया है, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड में आपका नाम क्या है, आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो आधार कार्ड का डिटेल्स है ये भी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं तब भी चलेगा, समझ गए। उसके यहाँ पे देखिए मेंशन सोर्स, ओके, तो मेंशन सोर्स में यहाँ पे देखिए कहाँ से आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको पता चला है उसके बारे में आपको यहाँ पे देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कंसल्टेंट, एम्प्लॉई, रिफरल, जॉब पोर्टल, प्रिंट मीडिया। ओके, तो यहाँ पे आप जॉब पोर्टल को भी चूज कर सकते हो। ओके, वो आप आपके हिसाब से चूज करना, आपको कहाँ से पता चला है वो आप ही जानते होंगे ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोटो आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आपको आपका फोटो अपलोड करना है, फोटो का साइज 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG, PNG यानी कि फोटो फॉर्मेट में होना चाहिए, चूज फाइल करके आपको यहाँ पे आपका फोटो चूज करके अपलोड करना है। तो इतना सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मेरा सब डिटेल्स भर चुका हूँ, यहाँ पे मैं मेरा फोटो भी अपलोड कर चुका हूँ, और यहाँ पे मैं अभी प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू कर लेना है, यहाँ पे आप जो भी कुछ डिटेल्स डाले हो वो सब कुछ सही से डाले हो या नहीं वो सब कुछ आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए
सबमिट का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए 350 रुपीज़ का एक फी पेमेंट आपको यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे आपके सामने फी पेमेंट का जो इंटरफेस है वो आ चुका है, तो यहाँ पे आपको 350 रुपीज़ का फी पेमेंट करना है। यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके आप फी पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पे चाहेंगे तो UPI ID या फिर मोर पेमेंट ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर NEFT के थ्रू आप यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए वहाँ सबका फी पेमेंट हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन अप्लाई आप किए हो ना उसका एप्लीकेशन प्रिंट आप निकाल के रख पाएंगे। समझ गए।